गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज़ दीक्षा रानी। आई एम अ बीएड स्टूडेंट इन इंस्पिरेशन कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग माय प्रेजेंटेशन ऑन द टॉपिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज ऑफ प्रिंसिपल एंड टीचर। एक प्रधानाचार्य और शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व और क्षेत्र होते हैं, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। रोल ऑफ अ प्रिंसिपल इन स्कूल। एक प्रधानाचार्य की विद्यालय में क्या भूमिका होती है। अ प्रिंसिपल इज समवन हु इज़ द लीडर ऑफ एन एंटायर कम्युनिटी विद इन अ स्कूल। एक प्रिंसिपल वह होता है जो एक स्कूल के भीतर एक पूरे समुदाय का नेता होता है। He or she is responsible for managing the major administrative tasks and supervising all students and teachers. वह प्रमुख प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन और सभी छात्रों और शिक्षकों की देखरेख के लिए जिम्मेदार होता है। Role of a teacher in school. एक शिक्षक की विद्यालय में क्या भूमिका होती है। Teachers are the best known for the role of educating the students that are placed in their care. शिक्षकों को उनकी देखभाल में रखे जाने वाले छात्रों को शिक्षित करने की भूमिका के लिए जाना जाता है। Beyond that, teachers serve many other roles in the classroom. इससे परे शिक्षक कक्षा में कई अन्य भूमिकाएं निभाते हैं। टीचर्स सेट द टोन ऑफ देयर क्लासरूम, बिल्ड अ वार्म एनवायरनमेंट। शिक्षक कक्षा में ध्वनि कितनी होनी चाहिए, कक्षा में ऐसे वातावरण को पैदा करना कि विद्यार्थी शिक्षा प्राप्ति के लिए उत्सुक हो। मेंटोर एंड न्यूचर स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों को मेंटर करना, उन्हें सही गलत बताना तथा शिक्षण कार्य में उन्हें दिशा निर्देश देना। और एक शिक्षक संरक्षक और छात्रों का पोषण भी करते हैं। बिकम रोल मॉडल एंड लिसन एंड लुक फॉर साइन ऑफ ट्रबल। वो एक रोल मॉडल की तरह कार्य करते हैं और ऐसे पढ़ाते हैं कि विद्यार्थी की समझ में तो आए, परंतु यदि कोई विद्यार्थी किसी भी प्रकार की परेशानी का अनुभव करे तो उसकी परेशानी को समझना भी एक शिक्षक का कौशल होता है, या फिर उसे यह भी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है कि वह विद्यार्थी के लिए आने वाली परेशानियों का निदान करे और उसे उचित अधिगम कराए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ प्रिंसिपल। एक प्रधानाचार्य के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं। द रोल ऑफ अ प्रिंसिपल इज टू प्रोवाइड स्ट्रेटजिक डायरेक्शन इन द स्कूल सिस्टम। एक प्रिंसिपल की भूमिका स्कूल प्रणाली में रणनीतिक दिशा प्रदान करना है। प्रिंसिपल्स डेवलप स्टैंडर्डाइज करिकुलम, एसेसेस टीचिंग मेथड्स, मॉनिटर स्टूडेंट अचीवमेंट, एनकरेज पेरेंट्स इन्वॉल्वमेंट, रिवाइज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, एडमिनिस्टर द बजट, हायर एंड एवेल्यूट स्टाफ एंड ओवरसी फैकल्टीज। प्रधानाचार्य मानकीकृत पाठ्यक्रम विकसित करते हैं, शिक्षण विधियों का आकलन करते हैं, छात्र उपलब्धि की निगरानी करते हैं, माता पिता की भागीदारी को प्रोत्साहित करते हैं, नीतियों और प्रक्रियाओं को संशोधित करते हैं, बजट का प्रबंध करते हैं, कर्मचारियों को नियुक्त करते हैं और सुविधाओं का मूल्यांकन करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर।
एक शिक्षक के क्या क्या उत्तरदायित्व होते हैं? अ टीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग लेसन प्लान्स एंड एजुकेटिंग स्टूडेंट्स एट ऑल लेवल्स. एक शिक्षक की यह रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उत्तरदायित्व होता है कि वह पाठ योजना का निर्माण करे और सभी स्तरों पर छात्रों को शिक्षित करें. जितने भी लेवल के बच्चे हैं कक्षा में, उन्हें समान रूप से शिक्षित करें. देयर ड्यूटीज इंक्लूड असाइनिंग होमवर्क, ग्रेडिंग टेस्ट एंड डॉक्यूमेंटिंग प्रोग्रेस. उनके कर्तव्यों में यह भी शामिल होता है कि वह होमवर्क दें, ग्रेडिंग, परीक्षण और प्रगति का दस्तावेजीकरण करें. टीचर्स मस्ट बी एबल टू इंस्ट्रक्ट इन ए वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड रीच स्टूडेंट्स विथ इंगेजिंग लेसन प्लान. शिक्षकों को विभिन्न विषयों में निर्देश देने और छात्रों को आकर्षक पाठ योजना के साथ उन शिक्षण की सभी जानकारियों को पहुंचाने में सक्षम होना चाहिए. थैंक यू. दिस इज़ माय प्रेजेंटेशन.